फ्रेंड कैसे हो आप लोग, मैं अनुज कुमार। तो फ्रेंड खासतौर इस टाइम पे काफी कम समय बचा हुआ है नीट एग्जाम में, और ये बचे हुए टाइम में आपको सिलेबस को कैसे कवर करना है, कैसे मेंटेन करना है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और बहुत सारे नोट्स देने वाला हूँ जिसे इस टाइम पे आप क्विक रिविजन कर सकें। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे फिजिक्स को लेकर काफी टेंस्ड है, और मेन बात है कि फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स को लेकर आप टेंस्ड हैं तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि क्या आपके बायोलॉजी, आपके केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके बायोलॉजी में 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आपके केमिस्ट्री में 120-125 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तब आपको फिजिक्स पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। तब फिजिक्स पे आप 4-5 घंटे टाइम दे सकते हो, जितना टाइम बचा हुआ है जितना टाइम दे सकते हो फिजिक्स को दे सकते हो। लेकिन अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री में अगर इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बिलो 300 से कम बायोलॉजी में है, 100 से कम आपका केमिस्ट्री में है, तो फिर फिजिक्स पे आप ध्यान देकर ही कुछ नहीं कर सकते आप। तो फ्रेंड आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है वो बायोलॉजी पे करो, केमिस्ट्री पे करो, और फिर इसमें अगर सफिशियंट स्कोर कर पा रहे हो तब आप 4-5-6 घंटे आप बायोलॉजी फिजिक्स को दो। अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्विक रिवीजन नोट्स मेरे पास है। अगर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो कि नोट्स चाहिए भैया देने के लिए, मैं वहां पर नोट्स आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी भी बायोलॉजी का बहुत सारा नोट्स है मेरे पास, जिस चैप्टर्स का चाहिए मैसेज करो मेरे को, उस चैप्टर्स अगर है मेरे पास तो मैं आपको दे दूंगा, लगभग बहुत सारे चैप्टर्स का नोट्स हैं। तो फ्रेंड काफी ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपको ध्यान देना है कि इस टाइम पे कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो ज्यादा कोशिश करो कि 325 बायोलॉजी में स्कोर कर पाए, 125 केमिस्ट्री में स्कोर कर पाए, जितना ज्यादा ज्यादा केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप करते हो उतना फिजिक्स में आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। तो बस मुझे यही बताना था आप सबको। तो फिजिक्स के लिए आपको मेरे पास नोट्स है, मैसेज को मैं नोट्स दे दूंगा। फिजिक्स को लिए आप प्रीवियस ईयर आप फॉर्मूला क्विक रिवीजन करो फॉर्मूला, और आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी लगाना जरूरी है आपको, मतलब फिजिक्स में प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी जो बुक्स हैं 11-12 जरूर लगाना है आपको, उससे क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू बेस्ड, मतलब वैल्यू चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चंस उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस सेम आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो प्रीवियस ईयर सबका करना है, बायोलॉजी का भी करना है, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। प्रीवियस ईयर करने से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो प्रीवियस ईयर इस टाइम पे आपको जरूर करना है, मैंडेटरी है, प्रीवियस ईयर छोड़कर नहीं जा सकते। और जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप उतना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आदत होता है कि सिर्फ थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ते जाएंगे, तो थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे बस स्कोर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जो भी टेस्ट हो रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उस टेस्ट को रेगुलर दें, एनालिसिस करें, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो एनालिसिस करें। सप्ताह में 7 दिन में तकरीबन 3 से 4 दिन आप 3 घंटे वाले पेपर खुद से घर बैठकर करें, इतना आपको करना पड़ेगा तभी स्कोर कर पाएंगे आप। अगर ये नहीं, इतना मेहनत नहीं करते हैं तो फिर स्कोर नहीं हो पाएगा। आप सबको मुझे बस यही बताना था, प्रीवियस ईयर मैंडेटरी है, आपको करना ही है, ठीक है फ्रेंड। तो मेहनत करो, जितना टाइम दे सकते हो 12-13-14-15 घंटा उतना टाइम देना है पढ़ाई में। और भी मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।